हेलो दोस्तों, मोबाइल गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको, ये सैमसंग का J8 मॉडल है, इसमें दोस्तों आवाज़ जा नहीं रही है, सामने माइक का प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो माइक का प्रॉब्लम है तो सो माइक को कैसे रिप्लेस करेंगे उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले जो इसका प्रॉब्लम है उसे हम लोग चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करना है। तो इसमें क्या दोस्तों, पहले रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर से आप माइक का चेक कर सकते हैं आवाज़। तो ये देखिए, या प्लेन लाइन अगर जाती है तो मतलब इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है दोस्तों, इसमें माइक का प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप कुछ भी बोलेंगे तो कुछ भी अगर रिकॉर्ड होगा तो ये फ्लेक्शन होता है, तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब इसमें ऑलरेडी माइक का प्रॉब्लम है। तो इसे कैसे रिपेयर करना है वही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए जो ये डिस्प्ले होता है, ये ओरिजिनल जो हैंडसेट रहता है उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है इसे खोलने के लिए दोस्तों, तो उसमें मशीन वगैरह का इस्तेमाल होता है। ये मैंने ऑलरेडी ये खोला हुआ है मशीन पर, ये मैंने वीडियो बनाया ताकि आपको पता चले कि ये मतलब इसे खोलने के लिए और दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसे सिर्फ आप आगे से ही हीट करके या मशीन के द्वारा इसे आगे से ही खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसे पावर ऑफ कर लेंगे हम हैंडसेट को खोलने से पहले, पावर ऑफ। और उसके बाद में इसे यहाँ पे देखिए डिस्प्ले को अनलॉक कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए प्लस स्क्रू ड्राइवर, स्क्रूज जो लगे हुए प्लस स्क्रू ड्राइवर से इसकी सहायता से इसको खोल लेंगे। को खोलने के बाद में दोस्तों सबसे पहले इसके जो ये सिम ट्रे है इसे निकाल लेंगे यहाँ से, दोनों भी इस तरीके से। और जैसा कि मैंने पहले भी इस सैमसंग के वीडियो बनाए हैं उसमें बताया है कि जहाँ भी हेडफोन का पॉइंट होगा उस पॉइंट को आपको लास्ट में ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हेडफोन का जो जैक है आपका ऑडियो जैक वो नीचे की तरह है, तो हमें ओपन करना ऊपर से शुरू करना है दोस्तों, क्योंकि ये जो ऑडियो जैक है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है। तो ये सैमसंग के सारे हैंडसेट में ये आपको एप्लीकेबल होगा कि ये जो आप पहले ऑडियो पॉइंट देखें, ऑडियो पॉइंट जहाँ भी रहेगा इसको हम लास्ट में ओपन करेंगे, और पहले यहाँ ऊपर से शुरू करेंगे खोलना। ठीक है, अगर किसी में ऑडियो जैक ऊपर रहता है तो आप नीचे से खोलना शुरू करेंगे, इसमें नीचे दिया हुआ है तो हम इसको यहाँ ऊपर से इस तरह से खोलना शुरू करेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम आराम से खोलेंगे दोस्तों। ये देखिए, जैसा मैंने बताया था ये पॉइंट बाहर होता है, इसके लिए इसे हम इस तरह से लास्ट में ओपन करेंगे। तो आ जाते हैं हम पॉइंट पे। ये देखिए, ये इसका जो माइक और ये ऑडियो जैक ये दोनों साथ में ही है दोस्तों, तो इसे ही हमें चेंज करना है। तो ये आपको, ये देखिए यहाँ पे ये जो माइक का पॉइंट है ये कटा हुआ है, इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो आप ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, तो ये मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, तो ये मैं ऑलरेडी लाया हूँ। तो सिर्फ अपने मतलब मुझे अब क्या करना है, सिर्फ इसे यहाँ पे रख देना है एज इट इज़, क्योंकि ये आपको अवेलेबल है मार्केट में, आप आसानी से लाके और इसे बस यहाँ पे फिक्स करना है, ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं है दोस्तों। जो भी इसमें मेहनत है वो डिस्प्ले ओपन करने में ही मेहनत है, उसमें उसे बहुत संभाल के
ओपन करना पड़ता है, उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। इसके लिए मैंने शॉर्टकट इसे पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि उससे भी मैं ऐड करता तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का होता। तो इसे निकालने के लिए दोस्तों बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, और ये फ्रंट से खुलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए आपको पहले डिस्प्ले ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका अब यहाँ पे ये चेंज हो गया है, तो जैसे जैसे हम लोग ने खोला है वैसे वापस इसे फिक्स कर देंगे इस तरीके से। एक बार पहले टेस्ट कर लेते कि आपका ये परफेक्ट हुआ है या नहीं, उसके बाद में इसे फुल फिल पैक करेंगे अच्छी तरीके से। अगर हैंडसेट ऑन रहता है और डायरेक्ट आप डिस्प्ले लगाएंगे तो ऑन नहीं होगा, तो माइनस बटन और प्लस बटन को एक साथ में डाल के इसे रिबूट करेंगे तब डिस्प्ले आपका आएगा। दोस्तों ये देखिए, अगर हैंडसेट चालू होता है और अगर आप डायरेक्ट डिस्प्ले लगाएंगे तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा दोस्तों। इसके लिए माइनस, इसे हम रिबूट करेंगे इसे, तब आपका डिस्प्ले यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पे एक बार माइक चेंज करने के बाद में हम लोग चेक कर लेते हैं जो प्रॉब्लम था वो आवाज़ का, वो ओके हुआ है कि नहीं, वो चेक करने के बाद में इसे अच्छी तरह से पैक करेंगे। रिबूट होने के बाद में ये थोड़ा सा वक्त लेता है, ये देखिए ये ओपन हो गया है दोस्तों। हेलो 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 हेलो, माइक चेक। ये देखिए अब इसका जो वेव है ये ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब इसमें जो माइक की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। अब इसे हम ग्लू की सहायता से स्टिक कर लेंगे दोस्तों। तो माइक चेंज करने का तरीका जो है आपको समझ में आ गया है दोस्तों, बस आपको ध्यान देना है कि ये जो ऊपर का डिस्प्ले है उसे सावधानी से निकालें आप। उसके लिए मशीन आती है हीट मशीन, उसका प्रयोग करें ताकि डिस्प्ले आपका डैमेज ना हो। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको माइक चेंज करने में मेरे इस वीडियो से सहायता मिली होगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।